पीवी सिंधु और साक्षी मलिक को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर खिलाड़ी अपना पर्सनल बेस्ट भी दोहरा नहीं पाए। 132 करोड़ की आबादी वाले भारत में सिर्फ कुछ हजार लोग ही खेलों को गंभीरता से लेते हैं। शूटिंग, गोल्फ, टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस जैसे खेलों को छोड़ दिया जाए तो भारत के ज्यादातर ओलंपिक खिलाड़ी आर्थिक रूप से बहुत कमजोर तबके से आते हैं, जहां बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव होता है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि भारत के 132 करोड़ लोग 11 देशों में खेले जाने वाले क्रिकेट को तो अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, क्रिकेट के पीछे दीवाने हो जाते हैं, लेकिन दुनिया भर के देशों में खेले जाने वाले स्पोर्ट्स को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए ओलंपिक्स जैसे मौकों पर खेलों के साथ भारत के जुड़ाव की कमी को करीब से महसूस किया जा सकता है। भारत के खेलों की मौजूदा स्थिति यह है कि अभी हम ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले हर खिलाड़ी या टीम को ओलंपिक गेम्स में भेज देते हैं, जबकि ओलंपिक गेम्स के दौरान क्वालिफाइंग राउंड का मापदंड विजेता खिलाड़ियों और टीमों के रिकॉर्ड से बहुत नीचे होता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रियो ओलंपिक्स में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स के लिए चुने गए 15 में से 13 एथलीट्स ऐसे थे जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में क्वालिफाई करने के लिए जो प्रदर्शन किया वो उस प्रदर्शन को भी ओलंपिक्स के दौरान दोहरा नहीं पाए। इतना ही नहीं, आर्चरी, स्विमिंग और वेटलिफ्टिंग जैसे इवेंट्स के लिए भेजे गए खिलाड़ी भी तय मानकों पर खरे नहीं उतरे। ये अपने आप में एक गंभीर बात है कि आखिरकार अंडर परफॉर्म करने वाले एथलीट्स को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अधिकारियों ने रियो जाने का मौका कैसे दिया। यहां पर हम उन खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं जिन खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स में ऐसा प्रदर्शन किया कि वो प्रदर्शन उन्हें ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी नहीं करवा सकता था। इस विश्लेषण की मदद से हम पूरे देश के सामने ये गंभीर सवाल रखना चाहते हैं कि खेलों के वर्ल्ड वॉर में भारत हमेशा हार क्यों जाता है, और हमने आंकड़ों के जरिए आपके सामने आज पूरी तस्वीर रख दी है। कहते हैं आंकड़े झूठ नहीं बोलते और आंकड़े किसी की तरफदारी भी नहीं करते, इसीलिए आज हमने जो कुछ आपसे कहा वो आंकड़ों के आधार पर कहा है। हमारे देश में क्रिकेट को छोड़कर बाकी सभी खेलों को तुच्छ और छोटा माना जाता है, और खेलों को लेकर देश में, समाज में ये मानसिकता बनी हुई है कि खेलने कूदने से कुछ हासिल नहीं होता और करियर बर्बाद हो जाता है। लेकिन हमारा संपादकीय विचार ये है कि खेलों को सिर्फ खेल समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। खेलों में प्रदर्शन के आधार पर ही एक राष्ट्र को ये पता चलता है कि वो कितना स्वस्थ है। ये वो दौर है जब सिर्फ बंदूक के दम पर बॉम्ब बनाकर फाइटर जेट्स और टैंक से ही युद्ध नहीं जीते जा सकते और ना ही लड़े जा सकते। अब दुनिया के तमाम देश खेल के मैदान में एक दूसरे से युद्ध लड़ते हैं, और इस तरह खेलों के वर्ल्ड वॉर में ही किसी देश की मानसिक और शारीरिक ताकत का पता चलता है। भारत को खेल के मैदान में खुद को सुपर पावर बनाना होगा, तभी पूरी दुनिया में भारत के नागरिकों को एक संपूर्ण और शक्तिशाली नागरिक माना जाएगा, और तभी पूरी दुनिया में भारत को इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। सिर्फ बाजार को आगे बढ़ाने से और आर्थिक रूप से आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा।